चुनावी साल में सियासी दलों की तरफ से जनता को रिझाने की हर कोशिश हो रही है और इसी क्रम में पीसीसी चीफ ने एक और चुनावी वादा किया। कमलनाथ ने कहा कि जब विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार गांव के पटेलों का मानदेय तय करेगी। आपको बता दें कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल में आयोजित पटेलों के सम्मेलन में शामिल हुए थे और इस दौरान ये ऐलान किया। उधर बीजेपी ने कमलनाथ की घोषणा को झूठा करार दिया। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि जब सरकार में रहते हैं तो महिलाओं और आम आदमी की याद नहीं आती इनको। मानदेय की बात करिए, आपको मानदेय मिलेगा तो गांव में किराने की दुकान भी जरा अच्छी चलेगी, बिना किराने की दुकान, क्योंकि तब आप भी खर्च करेंगे, अपने मानदेय से खर्च करेंगे। आवश्यक रूप से मैं आज घोषणा करना चाहता हूं कि आपको मानदेय, मैं और राजेश बैठ के आपका मानदेय तय करेंगे, पर मानदेय आवश्यक मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी ने 3,30,00,00,00 रुपए का कर्जा लिया है अभी तक, और 5 महीने में कितना ले लेंगे इस कर्जा का ब्याज पटाने के लिए और कर्जा लेना पड़ेगा। कांग्रेस तो हमेशा डर दिखाती रही है, कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती रही है। 2018 में भी झूठ बोल के वोट बटोरने का काम किया ना, 2023 में कांग्रेस को फिर झूठ बोलने की आदत है। तो मणिपुर का मध्यप्रदेश में जिक्र क्यों? नहीं, हम का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर कमलनाथ जी कर रहे ना, कमलनाथ जी के पास कोई मुद्दे नहीं है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सत्ता चाहिए, भले ही देश जहन्नुम में जाए। पीएम मोदी की सरकार देश को आगे बढ़ाने वाली और दुनिया में भारत की पहचान बनाने वाली सरकार है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के बड़वा और सनावत में बीजेपी का संपर्क से समर्थन अभियान में हिस्सा लिया था। कांग्रेस तो उनको सत्ता चाहिए, देश जहन्नुम में जाए, ऐसी सरकार उन्होंने पहले सरकार शासन किए हैं। आप लोग मालूम है उनका करप्शन के बारे में अगर बोलें तो समय मुझे तो 1 घंटा लगेगा यहाँ खड़ा होकर, कितने लोग जेल गए हैं। इसीलिए हम तो देश बेचने वाला सरकार नहीं है, हम देश को संभालने वाला, देश को आगे ले जाना, देश को विश्व में हम प्रतिष्ठा करने वाला हमारी सरकार चल रही है। और हम, मैं पेट्रोलियम विभाग के मैं मंत्री हूँ, आपके पास अगर तेल नहीं है, गैस नहीं है और सस्ते में देंगे तो देश कहाँ जाएगी। आईएएस न्यास